बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा प्रस्तुत जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 और जम्मू और कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन विधेयक 2019 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, अपने कांग्रेस के मित्रों को सुनने के बाद एक बात तो समझ में मुझे आ गई। मैं चंपारण से आता हूं कि क्यों महात्मा गांधी चाहते थे कि 1947 के बाद कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि इनकी जो सोच है वह पूरी की पूरी बदल चुकी है। अध्यक्ष महोदय, आधुनिक भारत का इतिहास जो है वह 90 वर्षों का इतिहास है, और वह आजादी की जो लड़ाई शुरू हुई थी वह 1930 के लाहौर में जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन रावी नदी के तट पर हुआ था, वहीं से इसकी सही मानने में शुरुआत होती है। जब 31 दिसंबर 1929 को जब हम लोगों ने यह मांग किया था कि अखंड भारत को पूर्ण स्वराज दिया जाए और स्वतंत्रता का झंडा फहराया था, और 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने आजादी की शपथ ली थी। लेकिन आज जो कांग्रेस कर रही है वह उससे बिल्कुल अलग है। और एक और बात मैं आज तक सुनते रहा हूं इस लोकसभा में पिछले 11 वर्षों से, कहते हमने केवल किया, हमने किया आजादी में, हमने किया, दूसरे किसी को ये आजादी में जो कुर्बानियां दी उसको ये मानने को तैयार नहीं होते हैं। आज यह ऐतिहासिक विधेयक जो है वह मैं उन तीन पीढ़ियों को, जो मेरी सबसे पहली पीढ़ी थी, उसको मैं श्रद्धांजलि के रूप में आज मैं रखता हूं, जो हमारे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जितने भी कार्यकर्ता थे, चाहे वह लाला लाजपत राय की कुर्बानी हो, चाहे वह वीर सावरकर का स्वतंत्रता आंदोलन हो, या अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि जेल जाना पसंद किए, पूरे तौर पे लड़ाई लड़ी, उसमें मेरे दादा को खुद आजीवन कारावास हुआ था, लेकिन कभी हम लोगों ने कांग्रेसी टैग वाला स्वतंत्रता सेनानी का तगमा लेना पसंद नहीं किया। आज मैं उन सभी को मैं आज श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पे इकट्ठा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त 1947 की पूर्व संध्या को माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कविता लिखी थी। उन्होंने कहा था, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है, जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोष, गम की काली बदली चाहिए। आज भी जो जम्मू कश्मीर में गए 70 साल बाद भी वो खाना बदोश है, उनको इंसाफ दिलाने का यह बिल आया है, और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। किसी कांग्रेसी ने एक बार भी आरक्षण विधेयक के बारे में एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से चिढ़ते हैं। इन्होंने ना उनके लिए कुछ किया और ना उनके आरक्षण के समर्थन में एक शब्द बोला। इनके स्वभाव में ही नहीं, आरक्षण इनके स्वभाव से बाहर है, इसीलिए एक शब्द इन्होंने आरक्षण के समर्थन में नहीं बोला। और आज भी हम उसके बाद दूसरी पीढ़ी के लोगों पर आते हैं। जब 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई और 1953 में माननीय स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे श्रद्धा पुरुष हैं, उन्होंने कहा एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो दिशा नहीं चलेंगे, और फिर वही रावी नदी जो हमारे स्वतंत्रता की पहचान थी, जब रावी नदी को पार करने का प्रयास किया तो वहां उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको कुर्बानी देनी पड़ी, दो प्रधान और दो निशान तो खत्म हो गए, पर दो विधान का जो आखिरी कील है वह आज उस ताबूत में गड़ रहा है, और हम सबों को फख्र है कि हम तीसरी पीढ़ी के रूप में उसके हिस्से हैं जिसने यह सब आखिरी कील हमारे ताबूत पे मारा। अध्यक्ष महोदय, नहीं, आखिरी कील आप विधान आपने जो कश्मीर के खिलाफ किया उस पर डाला है, और आज से पूरा भारत सही माने में एक हो चुका है। और अध्यक्ष महोदय, आज मैं उन सभी को भी 1992 की कश्मीर यात्रा के रूप में याद दिलाना चाहूंगा। क्या बोला मैं, 1992 के आप सुने मतलब बिल्कुल आपके ऊपर ये आखिरी कील होगी, याद रखिए। आज आप जो विरोध किए हैं आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं एक वोट भी नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। अध्यक्ष महोदय, आज मैं 1992 में भी जो माननीय मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में यात्रा निकली थी,
उसके भी सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा जिसका पूरा का पूरा आयोजन का बीड़ा माननीय आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया था। और हमारे चंपारण के जब कार्यकर्ता, पांच मिनट में सर, एक मिनट में मैं खत्म करता हूं, जब वह रघुनाथ मंदिर गए थे कि केवल 35 लोग जाएंगे, तो चंपारण के कार्यकर्ताओं के सामने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और विजया राजे जी वहां बैठी हुई थी उस रघुनाथ मंदिर में। और जब हम लोगों ने कहा कि हमें वहां पे प्रमोद शंकर सिंह जो अभी मेरे तत्कालीन अध्यक्ष है, जब कहा कि हमें भी कश्मीर भेजिए, तो कहा कि तुम लोग कैसे बिहारी हो कि अटल बिहारी को एक बार श्यामा प्रसाद जी ने जाने नहीं दिया और आज जोशी जाने नहीं दे रहा, तुम सब मेरी पैरवी करो। और उस दिन से हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं और आज मैं खुश हूं कि हमारी पीढ़ी ने यह समय देखा कि आज हम 370 की धारा खत्म हो रही है और माननीय हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि यह टेम्पररी, ट्रांजिशनरी और स्पेशल प्रोविजन के लिए है। इस धारा की समाप्ति के लिए इतने वर्षों तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ा और यह हमारे दिल में, अगर हमारे आत्मा में नहीं होता तो हम चाहते तो पिछले बार भी ला सकते थे, लेकिन जब हमारा राज्यसभा में हमने सारे चीज ठीक कर लिए, अपनी बहुमत बना ली, तब तुरंत सर खत्म कर रहा हूं, तब हमने यह बिल लाया क्योंकि यह हमारे आत्मा का बिल है और यह पास हो रहा है। और अंतिम बात मैं हरिओम पवार जी के चार लाइनों से खत्म कराना चाहता हूं कि आज जो दो साल पहले उन्होंने कहा था कि दुनिया को एहसास कराओ हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं, अब तो वक्त बदलना सीखो डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। और आज जाके 56 इंची सीने का एहसास हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।